अब एक ऐसी डिश जिसमें थोड़ी खटास है और थोड़ी कड़वाहट भी, जो दिल को जाने कब से दुखा रही थी लेकिन अब जुबां पर आ गई है। अपने दिल का मलाल जुबां पर लाने वाली कृति सानन है, जिन्होंने फिल्मों में हीरोइन के काम को हीरो के मुकाबले कम तवज्जो मिलने पर दुख जताया। मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। आप ये सवाल उस लड़की से पूछ रहे हैं जिसको सिर्फ 10 मिनट का स्क्रीन स्पेस मिला था बेबी। 5 सीन भी होंगे ना पिक्चर में, मुझे पता है थिएटर से बाहर निकल के ऑडियंस मुझे याद रखेगी। दैट मच कॉन्फिडेंस आई नीड टू हैव ऑन माय सेल्फ एज एन एक्टर। कंगना रनौत, फिर तापसी पन्नू और अब कृति सानन ने खुलकर बोल दी है अपने दिल की बात। लेकिन अब कृति सानन ने भी हीरोइन के किरदार को कम तवज्जो दिए जाने का आरोप खुलकर लगा दिया है। कृति सानन अपनी शानदार एक्टिंग और हिट फिल्मों के जरिए कम वक्त में लोगों के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब रही हैं। ताज़ा रिलीज फिल्म अर्जुन पटियाला में नजर आई कृति की कार्तिक आर्यन के साथ आई पिछली फिल्म लुका छुपी काफी पसंद की गई, जिसमें कृति का खास अंदाज सबका दिल लुभा गया। हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कृति सानन ने फिल्म लुका छुपी में कार्तिक आर्यन की तुलना में उन्हें कम अहमियत मिलने पर दुख जताया है। कृति इस फिल्म में काफी कॉन्फिडेंट नजर आई, जिनकी एक्टिंग की भी तारीफ हुई, लेकिन फिल्म को कार्तिक आर्यन की फिल्म बताए जाने पर उनका दुख खुलकर सामने आ गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कृति ने बताया, कुछ लोगों की फिल्म के हीरो के बारे में विस्तार में लिखने की आदत होती है और हीरोइन के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी जाती है और वो भी ये बताती है कि हीरोइन कितनी खूबसूरत लग रही थी। इससे बुरा लगता है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया और आपको मुझ में कमी निकालनी है तो उनके बारे में लिखिए, मुझे वो पसंद आएगा। कृति सानन फिल्मों में हीरोइन को कम करके आंकने के पीछे की वजह पर भी कयास लगा रही हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही हैं कि इसकी असल वजह क्या है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग फिल्म में हीरोइन के किरदार के बारे में लिखने से डरते हैं। शायद वो डरते हैं कि हम उनके बारे में ट्वीट कर देंगे। इतना ही नहीं, कृति को इस बात का भी मलाल है कि किसी रोमांटिक फिल्म में भी हीरोइन के बारे में चर्चा नहीं की जाती। पहले ऐसा होता था जब हीरोइन को हीरो की तुलना में कम अहमियत दी जाती थी, वो भी तब दी जाती थी जब सुर्खियां बनने लगी। आप कभी रोमांटिक फिल्म को हीरोइन की फिल्म नहीं कहते। बताए गए कि लुका छुपी में कृति को ज्यादा अहमियत नहीं मिलने पर कृति और कार्तिक के रिश्ते में दरार आ गई, लेकिन कृति के मुताबिक उनके कार्तिक से रिश्ते हमने अपने मजाकिया अंदाज में इस मुद्दे पर बात की। चर्चा अचानक से हद से ज्यादा बढ़ जाती है और आपको हैरानी होती है कि ऐसी रिपोर्ट्स कहां से आती हैं और हम इसे हंसकर टाल देते हैं। फिल्मों में फीमेल एक्टर्स को कम अहमियत दिए जाने के मामले में तापसी पन्नू भी अपनी आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद कर चुकी हैं। तापसी को तब गुस्सा आया जब कृति की फिल्म लुका छुपी को कार्तिक की फिल्म और उनकी फिल्म बदला को अमिताभ की फिल्म कहकर रिपोर्ट छापी गई थी, जिस पर तापसी ने लिखा, मेहनत शायद इन फिल्मों की लड़कियों ने भी उतनी ही की है, लगता है समय नहीं मिला होगा आपको लिखने का। तापसी ने अपना गुस्सा जाहिर किया तो कृति ने भी उनका साथ देते हुए जता दिया कि नाराज तो वो भी हैं। हालांकि बाद में रिपोर्ट लिखने वाले की तरफ से माफी मांग ली गई, लेकिन इस मुद्दे ने फिल्म एक्टर्स के बीच समानता के अधिकार के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी।